नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बहुत हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है जो कि GDS रिजल्ट को लेकर के है। तो मतलब बताइए कि अभी भी लोग ऐसा ऐसा थंबनेल डाल रहे हैं कि GDS का रिजल्ट आ गया, GDS का रिजल्ट आ गया, GDS का रिजल्ट आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। GDS का रिजल्ट जैसे ही आता है, वैसे ही आपको ऑथेंटिक चैनल पे न्यूज़ मिलने लगेगी। जैसे कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो सही जानकारी है वो आपको मिलती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम कुछ जैसे GDS को लेके थोड़ा काल्पनिक बातों में आते हैं। काल्पनिक नहीं, वो सही भी है। जैसे मान लीजिए कट ऑफ की अगर मैंने पहले ही बात किया था कि जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे जो कट ऑफ की अगर हमने बात किया था आपसे, है ना। तो कट ऑफ देखिए, आप सही बात जान लीजिए कि कट ऑफ जो भी जाने वाली है, अगर वो जनरल है, कैटेगरी अगर आपकी जनरल है, तो आप 90+ मान के चलिए, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। ये इस बात को समझ लीजिएगा कि जो 2023 ये आपकी अगर GDS, किसकी GDS की ये जो भर्ती है, इसमें कट ऑफ आप जनरल की मान के चलिएगा कि ये आपकी 90+ जाने वाली है, ठीक है, वो कैटेगरी जनरल की। और ये आपकी जो है 85, आपकी जो है 85-90 ये किसकी जाएगी, EWS की, ठीक है, EWS की। अब देखिए, जो आपका ये आएगा 85-95 ये आपकी आएगी OBC, ठीक है। और ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपका 70+ to 85 इसमें आपकी सिमट के लोग रह जाएंगे, SC और ST वाले, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए समझेंगे हम इस बात को कि मैंने अभी आपको मॉर्निंग में, लगभग आफ्टरनून में मैंने आपको उसके, देखिए आपने अगर उसको नहीं देखा तो आप जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बताया था और जो भी GDS भर्ती को लेकर भ्रांति फैली हुई है मैंने उसके बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से आप उस वीडियो में समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा काल्पनिक होते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो GDS है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक, तो आपको अगर ये सिलेक्शन मिल जा रहा है तो आप बताइए, जैसे आपकी हाई स्कूल पे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो होती मैक्सिमम, ये पहली, मेरे हिसाब से ये पहली या दूसरी ही है, दो या तीन ऐसी ही हैं जो हाई स्कूल पे गवर्नमेंट जॉब है, ये तो कंफर्म आप बात समझ लीजिए इस बात को। तो ये 10th, इसका क्या क्राइटेरिया है मेरे प्यारे साथियों, 10th पास इसने तो यही मांगा है। उसके बाद से इन्होंने क्या मांगा है, मेरिट, इन्होंने मेरिट मांगी है, यानी कि मेरिट बेस्ड है ये, ठीक है, ये मेरिट बेस्ड है। अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन इजीली मिल रहा है, ठीक। तो आइए काल्पनिक थोड़ा सा होते हुए हम बात को थोड़ा समझेंगे कि अगर हमारा ये रिजल्ट अगर मान लीजिए हो गया, आप मान लीजिए कि यहाँ पे 2023 में इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो क्या आप सेलेक्ट होंगे। अगर होंगे, आपको नौकरी मिलेगी, तो आप इस नौकरी को कैसे करेंगे, इस बात को थोड़ा आइए समझते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। देखिए, पहली चीज़ तो जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत निराश होके बैठे हैं, बहुत परेशान हैं कि हमारा सर होगा कि नहीं होगा, जबकि मैंने देखा मेरे जितने भी मतलब साथी मुझसे जुड़े तो उन्होंने बताया कि 80, मैंने जो भी लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा कि 80% है, 80 से जिसका भी था वो ऊपर ही था, 85 तक थे, 80 थे, उसके बाद से 89 थे सब, है ना। तो ये सारे लोग थे। तो आपको मैंने कई बार कहा कि अगर आप इससे प्लस हैं, 80+ हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए और फेक न्यूज़ को तो एकदम नेगलेक्ट करिए, क्योंकि जब तक आप सही जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
देखिए 80 प्लस अगर आप आए तो आप सेफ हैं, सेफ जोन में आप अब खुद को समझिएगा। और बाकी क्योंकि देखिए अब की बार क्या है, भर्ती की जो है सीट है ना, पद इसके थोड़ा ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 80 प्लस वाले पॉजिटिव अपना माहौल बना के चलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक, तो आप बताइए कि जो भरने के लिए तो लगभग सब लोग भर दिए हैं, यानी कि जिनका ऑथेंटिक नंबर यहाँ पे देख लीजिए, रियली इनका अगर इतना परसेंट आया है तो जाहिर सी बात है कि कहीं से भी हो वो CBSE से हैं। कहाँ से हैं? CBSE से। अब ये बच्चे CBSE से हैं तो आप बताइए कि जिनका इतना परसेंट आया है, इनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि आप इस जॉब को करिए? वो कभी प्रेफर नहीं करते कि आप ये जॉब करिए ही करिए, ठीक है। उन्होंने भर दिया तो लक बाई चांस उनका होगा तो देखिए ये सीट क्या होगी, खाली चली जाती है। तो यहाँ पे सरकार अगर थोड़ा सा मन बनाती है, अक्सर हुआ भी है कि इनकी सीट जब खाली जाती है तो यहाँ पे उस जगह पे अगर मान लीजिए 85 वाला अगर कोई है तो उसका सिलेक्शन वहाँ पे कर दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रोसेस को समझिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ को आप इतना लेके हाई पर मत रहिए कि कट ऑफ इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, नहीं, आप परेशान मत होइए इस बात को लेके, है ना। तो समझिए अगर आपको ये मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा कौन करेगा ये, कौन ये नौकरी जो है वो कौन बच्चा करेगा। देखिए ये लोग तो चले जाएंगे, जो लोग फॉर्म भर के ये लोग अपना सीट बस लड़ा देंगे, टांग अड़ा दिए हैं बीच में आपके, है ना, तो ये लोग टांग अड़ा के तो अपना निकल लेंगे सीट छोड़ के, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वे प्रेफर नहीं करेंगे कि आप इस जॉब को करिए। हालांकि इसमें 4 घंटे की ड्यूटी है, कितने घंटे की है, 4 आवर्स इनकी ड्यूटी है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे मान लीजिए 4 घंटा तो यहाँ पे बता दिया गया इनको, ठीक। जैसे सैलरी की हम बात करें तो सैलरी इन्होंने कितना बोला है, जैसे 10,000 to 29,000 है स्टार्टिंग में, तो यही मिलेगी, इससे ज़्यादा की होप मत करिएगा, ये तो जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। और एक है 12,000, ठीक, तो 12,000 से जो भी है वो 39 अप्रॉक्स आएगा, 39 ऐसे जाता है इसकी, ठीक। तो इसको ले करके या स्टार्टिंग में तो पहले यहाँ पे रगड़ करेंगे, ठीक, और यहाँ पे इनको जैसे 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है और 4 घंटा की ड्यूटी को शो किया गया है, लेकिन ये आप यहाँ से इसकी बढ़त कब आपको होगी, जब आप क्या करेंगे, ओवर टाइम, जब आप ओवर टाइम करेंगे तब जाके आपको इस जो यहाँ पे पहले से ही डिक्लेयर सैलरी है उससे तब जाके आप थोड़ा ओवर ऊपर जाना शुरू करेंगे। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, अपने माइंड में बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो है 4 घंटे ड्यूटी करेंगे तो मतलब आपको जैसे पेमेंट बढ़ता जाएगा, नहीं, वहाँ पे ओवर टाइम है, कहीं ना कहीं उसमें काम आपका कुछ ना कुछ देखा जाएगा, ये ऐसी जॉब है, ठीक। तो आइए समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना में जैसे बहुत सारे लोग हैं, अपनी बेटी का जो है जैसे छोटी बच्ची है कोई, तो लगभग सभी पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जो आपका अगर ड्यूटी लगती है तो आपको बहुत सारे उसमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, वो पब्लिक डीलिंग है एक तरीके से, ये समझ लीजिए आपके इस जॉब में, तो पब्लिक को आपको डील करना पड़ता है, तो आपको कहीं ना कहीं जो ऊपर के अधिकारी होंगे वो 4 घंटा से लेकर आपको कम से कम आठ घंटा देना पड़ेगा। और जितने लोग ये बता रहे हैं कि आप 4 घंटे की ड्यूटी करके निकल लोगे तो ऐसा कतई नहीं है। आप 4 घंटे ड्यूटी करके ये कहिए कि हम निकल जाएंगे, आप निकल सकते हो, लेकिन अगर आपकी ऊपर से जैसे क्या है कि आप अपने अधिकारियों से अपना संबंध अच्छा बना के रखते हो सकता है आप निकल लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार का जो भी इम्प्लीमेंशन आता है, जितनी भी इंश्योरेंस योजना हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, तो पोस्ट ऑफिस में देखिए क्या है कि पोस्ट ऑफिस का जो डाक विभाग वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो ये क्या कर रहा है, डेवलप तो हो ही गया, उसके बाद से इसमें लोग पैसे जमा कर दे रहे हैं, तो इसमें जो है आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम मांग रही है, ठीक है। तो आप देखिए अब रह गई बात, क्या आप इस जॉब को करके पढ़ाई कर सकते हो, देखिए इस बात को समझिएगा।
जैसे क्या GDS में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या इस जॉब को लेके पढ़ाई कर सकते हो? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई बड़ी तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो बड़ी तैयारी कर रहे हो तो कोई भी आप जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपका अगर 4 से 6 घंटे भी जा रहा है तो आपका कहीं ना कहीं एक समय जा रहा है, उसके बाद से वहाँ पे आप क्या होगे, टायर्ड हो जाओगे, ठीक। जब आपको थकान महसूस होगी तो आपको नींद आएगी, तो जब आप सो जाओगे तो फिर पढ़ाई थोड़ा सा साइड हो गई कि नहीं हो गई, तो ये जॉब कर लो फिर या तो स्टडी, ठीक। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो। हालांकि अगर जैसे मान लीजिए कि SSC हो गया और जैसे और भी मतलब गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप अभी स्टार्ट किए हो तब तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप पहले से कुछ पढ़े हो तो आप यहाँ पे अपना कम से कम 5 आवर 6 आवर ऐसे सेल्फ स्टडी आप निकाल सकते हो, 5 आवर या 6 आवर, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो आप यहां पे ये बात इतना अपने दिमाग में गांठ बांध के रखिए कि सिलेक्शन हो जाने के बाद इसका इसकी जो सच्चाई है वो यही है, ठीक है। तो फेक न्यूज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आप जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे सपोर्ट के लिए हम आपसे क्या मांगते हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक बटन है, बस मैं कहता हूँ कि बस वही आप प्रेस कर दीजिए। और हमारी इससे क्या है, आपका ये एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा, समझ लीजिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह का विषय है। तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं, तो इस बात को समझिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।